हेलो एवरीवन, हम लोग आज इस क्लास में सॉल्यूशन का क्लास नंबर 4 लेने जा रहे हैं। और हम लोग इसके पहले बहुत सारे टॉपिक इसमें देख चुके हैं। हम लोग जैसे ये इसमें टॉपिक देखे हैं, मोलरिटी हम लोग देख चुके हैं। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे मोलरिटी हम लोग देख चुके हैं। मोलरिटी क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी 1 लीटर के विलयन में जितनी मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या जितनी होती है वही आपकी मोलरिटी होती है। आप इसको अगर बताना चाहें तो इसकी डिफिनेशन यह भी होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपकी मोलरिटी की डिफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम इसको बता चुके हैं कि मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किस में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास, यानी मास यानी वेट, यहाँ पे मास और वेट एक ही होंगे। तो डब्ल्यू अपान मोलर मास को ये हम नॉट दिखाते हैं और पर लीटर वॉल्यूम को हम लोग वी एल दिखाते हैं। वी एल मतलब वॉल्यूम होगा जो लीटर में होगा, इसलिए हम लोग वी एल लिखते हैं। और ये मोलरिटी आपकी होगी, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको सबको क्लियरली बता चुके हैं। और जो इसकी अगली बात है, अगर हम इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम नॉट इंटू वी मिलीलीटर, और 1000 से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी बात हम आप लोगों को बता चुके थे और इसमें हम स्ट्रेंथ निकालना भी बताए थे। तो अब बात हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, स्ट्रेंथ सभी लोग निकालना जानती होंगी, इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बताए, आप लोगों की ये बातें क्लियर होंगी। हम पीछे वाली बातों को रिवाइज कर दिए थोड़ा, इसलिए कि आप लोगों को ये बातें याद रहे, इसके बाद हम लोग आगे की बातों को थोड़ा और ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। मोलरिटी के बाद हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलता जिसे बोलते हैं। इस क्लास में हम लोग नॉर्मलता पढ़ेंगे, तो नॉर्मलिटी हम लोग देखते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही डिफिनेशन है जो डिफिनेशन इसके पहले वाले में जैसे मोलरिटी में थी, उसमें केवल मोल्स रहेंगे, सॉल्यूट के मोल्स रहेंगे, इसमें इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब इसमें मोल्स नहीं रहेगा। जैसे हम अभी डिफाइन कर रहे हैं सबको, जब पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे सब बातें क्लियर होंगी, तो ये बात बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन नॉर्मलता की क्या होती है। बोलेंगे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ पर लीटर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपकी डिफिनेशन ये होगी, मतलब वहाँ पर आपको यहीं पर मोल था, इसी के स्थान पर आप वहाँ पर मोल लिखे थे, मतलब मोल्स देखना था, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे, समझेंगे कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। जैसे तो यहाँ पर नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हाँ, अभी आपको बता चुके हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर में विलेय का कितना इक्विवेलेंट उपस्थित है, तो एक लीटर विलयन में विलेय के इक्विवेलेंट की संख्या क्या है। संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक लीटर विलयन में
विलेय के इक्विवेलेंट की संख्या कितनी होगी, हम लोग अगर वो निकाल देते हैं तो हम लोगों को नॉर्मलता पता चल जाएगी, ज्ञात हो जाएगा कि नॉर्मलता क्या होती है। जबकि हम लोग मोलरता में क्या निकाले थे, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की यहीं पर आपका था मोलों की संख्या। अब इक्विवेलेंट क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं और बात समझ में आएगी, क्लियर होगी। पहले हम लोग डिफिनेशन देख लिए, मतलब एक लीटर विलयन में कितने इक्विवेलेंट उपस्थित। जैसे हम लोग चीनी और पानी का अगर शरबत बनाते हैं तो चीनी विलेय आपका होगा, तो चीनी विलेय में कितने इक्विवेलेंट की संख्या है, पूरे विलयन में चीनी की कितनी संख्या, चीनी के इक्विवेलेंट की संख्या कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग नॉर्मलता में। और इसके पहले मोलरिटी कैलकुलेट किए थे तो मोलों की संख्या देखे थे। ये आपकी सिंपल सी डिफिनेशन हुई। अगर हम लोग डिफिनेशन को आगे बढ़ाएं और देखें इसके बारे में और समझें तो क्या हम लोगों को मिलेगा, देखते हैं आगे। इसमें जो होता है वो ये होता है, जैसे हम लोग नॉर्मलता n इक्वल टू बोलते हैं, n इक्वल टू बोलते हैं इक्विवेलेंट अपान जो आपका आयतन होगा वह लीटर में होगा, इक्विवेलेंट अपान सॉल्यूशन ऑफ पर लीटर सॉल्यूशन मतलब पर लीटर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये देखते हैं। तो इक्विवेलेंट को हम लोग इक्यू और पर लीटर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वीएल से डिनोट कर देते हैं, यानी एन इक्वल टू क्या होगा, इक्यू अपॉन वीएल। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है। तो जो इक्विवेलेंट आपके सामने आया इसकी एक विशेष वैल्यू होती है, जैसे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्यू इक्वल टू क्या आपका होता है, वेट अपॉन वेट मीन्स भार या द्रव्यमान अपॉन ईएम, माने ईएम को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अभी हम ईएम की बातों को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी जब पूरी बात देखेंगे। तो अब आपका इक्यू की वैल्यू है डब्ल्यू अपॉन ईएम, यहाँ पर रख देते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास यहाँ पर फुट कर देते हैं, तो आपका क्या मिलेगा, एन इक्वल टू इक्यू की जगह पर डब्ल्यू अपॉन ईएम इंटू वीएल आपका ये मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ये मिला नॉर्मलता इक्वल टू भार अपान वेट अपान इक्विवेलेंट मास इंटू वैल्यूम, लीटर में होगा आपका, ये नॉर्मलता मिली। अब हम लोग कहेंगे ईएम की वैल्यू भी नहीं क्लियर है, तो हम लोग ईएम की वैल्यू कैसे क्लियर करेंगे हम बताएं। अभी आप लोगों को देखें, जो जहां ईएम इक्वल टू होगा आपका मोलर मास अपान एन फैक्टर, तो हम क्या बताएं, ईएम इक्वल टू होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर, मतलब अणु भार अपान एन फैक्टर। तो हम लोग अणु भार को किससे डिनोट करते हैं, अभी एम आपको बताए कि ईएम इक्वल टू अणु भार को हम एम नाम से डिनोट करते हैं और एन फैक्टर। तो हम ये वैल्यू ईएम की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दें तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा नॉर्मलता, यहाँ पर देख लेते हैं। तो नॉर्मलता एन इक्वल टू हम क्या बताएं कि डब्ल्यू अपान ईएम की वैल्यू एम नॉट अपान एन फैक्टर इंटू वीएल, आपका एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एन इक्वल टू डब्ल्यू एन फैक्टर अपान यम नॉट इंटू वी एल, ये आपकी नॉर्मलता आएगी यम नॉट इंटू वी एल। देखते हैं अगली बात, यानी हम लोगों को क्या मिली नॉर्मलता, यन इक्वल टू डब्ल्यू इंटू यन फैक्टर अपान यम नॉट इंटू वी एल, ये आपकी नॉर्मलता मिली। तो हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा सर निगाह से तेज एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्या है आपका। जैसे
आप लोग हम बताएं इसकी डिफिनेशन क्या मिली आपको। इसकी डिफिनेशन ये मिली कि हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलता n इज्कवल टू इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम लीटर में, आयतन लीटर में। तो आपका ये क्या होगा, नॉर्मल हम जानते हैं इक्विवेलेंट इज्कवल टू होता है क्या, वेट अपान इक्विवेलेंट मास। वेट अपान इक्विवेलेंट मास होता है, यहाँ पर वैल्यू फुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेट डब्ल्यू अपान इक्विवेलेंट मास ईएम इनटू आपका हो जाएगा बीएल। हमारे लिए ये भी एक फार्मूला ही है, इस पे भी न्यूमेरिकल लगेंगे। अगली बात हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास ईएम इक्वल टू होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर। अभी हम आप लोगों को एन फैक्टर के बारे में क्लेरिफिकेशन देते हैं, ये आपका होता है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू अपान ईएम की वैल्यू एम नॉट अपान एन फैक्टर इंटू यहाँ पर हो जाएगा वीएल। यानी ये वैल्यू ईएम की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट किए, ईएम एम नॉट अपान एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। अभी हम लोगों को पता ही है डब्ल्यू एन फैक्टर अपान एम नॉट इंटू वीएल, ये आपकी नॉर्मलता आई। अब हम लोगों को पता है डब्ल्यू पता हो जाएगा, वेट क्या होता है, भार क्या होता है। जब वह आपका कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका हम अर्धभार निकाल ही सकते हैं और उसका आयतन तो दिया ही रहेगा सबको, इतनी बातें तो क्लियर ही होंगी। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को नहीं पता है, वो है आपका यन फैक्टर। अब हमारे लिए यन फैक्टर होगा क्या, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं यन फैक्टर इसमें है क्या। हम आशा करते होंगे सबको नॉर्मलता वाली बात समझ में आई होगी, बहुत इजी बात है। हम लोग नॉर्मलता इक्वल टू इक्विवेलेंट अपान आयतन ले लेते हैं। अब इक्विवेलेंट की वैल्यू को तो भार अपान इक्विवेलेंट मास होता है। अब इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, यम नॉट अणु भार अपान यन फैक्टर। तो सब वैल्यू हम लोग पुट करते चले जाएंगे तो ऑलरेडी मिलेगा आपको यन इक्वल टू भार इंटू यन फैक्टर अपान यम नॉट इंटू बी एल। अब देखते हैं जो यन फैक्टर आपका है, ये तो भार पता है, अणुभार पता है, आयतन पता है। हम लोग जो इसके पहले आया था मोलरता, उसमें सब बातें क्लियर किए थे, केवल हम लोगों को यन फैक्टर के बारे में बातें नहीं क्लियर थी। और हम लोग यन फैक्टर अभी देख लेंगे, अभी देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। अच्छा, इस फार्मूले पर अगर हम गौर करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हमें एक चीज़ और मिलेगी, एक बात हम लोगों को और मिलती है जो समझ में आती है हम लोगों को, कि ये हम लोगों को मिली यन इक्वल टू वा वेट इंटू यन फैक्टर अपान यम नॉट इंटू वी एल। हाँ जी, यही मिलेगी। अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोगों को मोलरता बराबर क्या मिला था, मोलरिटी यम इक्वल टू वेट अपान यम नॉट इंटू वी एल। इसके पहले वाली वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जब शुरू हो रही थी तो रिवाइज भी किए थे, तो हम लोगों को जो मोलरता मिली थी वो डब्ल्यू अपान एम नॉट इंटू बी एल मिली थी। अभी नॉर्मलता मिली डब्ल्यू अपान एम नॉट इंटू बी एल इंटू एन फैक्टर, आपके सामने यही है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड माने इसको, तो हम देखेंगे कि डब्ल्यू अपान एम नॉट इंटू वी एल और डब्ल्यू अपान एम नॉट इंटू वी एल इक्वल टू एम है। तो यहाँ पर हम एम पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर कर दें तो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपको इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पूछ सकता है कि आई एम फैक्टर आपको दे देगा और आपको नॉर्मलता दे देगा, कह देगा मोलरता निकालने के लिए, या फिर एम आपको मोलरता दे देगा और कह देगा नॉर्मलता निकालने के लिए। तो हम लोग कैलकुलेशन को जो है इस तरह से आगे बढ़ाएंगे जैसे हम लोगों को दिया है। अगली बात पर ध्यान देते हैं और देखते हैं आपका ये मिला, या फिर हम लोग यहीं से एक और फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम आशा कर रहे होंगे ये बातें सबको समझ में आई होंगी, बहुत ईजी बात है। आप लोग अगर ये बात नहीं से समझ में आई होगी तो आप लोग वीडियो को फिर रिपीट कर लीजिएगा और बातें क्लियर हो जाएंगी। देख लेते हैं अगली बात को, अभी अभी हम लोगों को क्या मिला,
जो मिला उस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। अभी हम आप लोगों को यंग फैक्टर निकालना बताते हैं। पहले आप लोग गौर से देखिएगा कि आपका ये जो है सिस्टम वो कैसे है, देखते हैं। अभी अभी हम लोगों को आया कि नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू यन फैक्टर। अभी हम यन फैक्टर के बारे में जानेंगे, यन फैक्टर के बारे में जानेंगे कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। इसका कैलकुलेशन अभी देखेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग इस बात चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों को नॉर्मलता इक्वल टू क्या आया था, इक्विवेलेंट अपॉन वीएल। मोलरता इक्वल कितना आया था, मोल की संख्या अपॉन वीएल आया था, सबको याद आ ही रहा होगा, इन टू यन फैक्टर। तो अगर हम वीएल वीएल दोनों तरफ कैंसिल कर दें, इक्यू इक्वल टू क्या है, जो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर। यानी यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन मिला, एक संबंध मिला, एक रिलेशन मिला। क्या मिला, अगर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स में यन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, अगर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स और यन फैक्टर दिया है तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, और यदि आपको मोलरता दिया है, मोलरता दिया है, यन फैक्टर दिया है आपका, तो नॉर्मलता निकालनी होगी। तो अभी अभी हम फार्मूला बताएं, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू यन फैक्टर, ये आपका फार्मूला रहा। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स पता होगा और यन फैक्टर पता होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका इक्विवेलेंट आएगा। इजी बात है, केवल थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, अगली बात को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कैसे कैसे बातें हम लोगों को क्लियर हो रही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम बताएं कि आपको नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू यन फैक्टर होता है। तो नॉर्मलता को हम लिखते हैं ई क्यू बाई वी एल बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपान वी एल इंटू यन फैक्टर आपका हो जाएगा। वी एल वी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई क्यू बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर। तो ये आपका फार्मूला प्राप्त हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर, इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई होंगी हम आशा करते हैं। यहां तक सब बातें टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों को नॉर्मलता और मोलरता में संबंध निकालना होगा, तो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू यन फैक्टर होता है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू यन फैक्टर होता है, और आपका इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू यन फैक्टर। तो ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देख लिए, अगली बात को देखते हैं, अगली बात को भी क्लियर करते हैं, देखते हैं अगली बात क्या है। अगली बात जो है, अभी अभी हम लोगों को आई है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर कितना है यन इक्वल टू, अभी हम लोग देखे कि इक्विवेलेंट मास, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला तो वेट इनटू यन फैक्टर अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होगा। आप यही नॉर्मलता की फार्मूला आई है। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में W पता हो, W ज्ञात हो, M नॉट ज्ञात हो और उसका आयतन भी ज्ञात हो, हम लोगों को ना और यन फैक्टर जो हो पता करना हो, या ये बात कैसे निकालते हैं, ये तो आपको दिया रहेगा, आप किसी भी थियोरेटिकल या प्रैक्टिकली वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यन नॉट देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन और डिराइव करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग यन नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं। यन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इसमें देखना है, तो हम लोगों को सबसे पहले यन फैक्टर जानना होगा कि यन फैक्टर होता क्या है। तो यन फैक्टर जानने के लिए हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसमें यन फैक्टर निकालना जान जाएं तो हम लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम लोग जो यन फैक्टर कैलकुलेशन होता है, जो यन फैक्टर निकालते हैं यह अलग अलग टाइप्स का होता है। सबसे पहले एसिड के लिए निकाल के देख लेते हैं, इसके बाद बेस के लिए निकाल कर देख लेते हैं, इसके बाद साल्ट के लिए निकाल कर देख लेते हैं, इसके बाद एटम्स के लिए निकाल कर देख लेते हैं, एटम्स के बाद आप निकाल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। हेलो, हम क्या क्या बात बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अगली बात हम लोग निकाल सकते हैं इसमें पॉलीएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, ठीक, इसके लिए निकाल सकते हैं, और कैट आयन और आयन्स के लिए देख सकते हैं, कैटायन और आयन्स के लिए। तो इतना देख लें, इतना यूपी बोर्ड में या फिर आगे की कॉम्पिटिटिव लेवल जो एग्जाम होंगे उसमें भी दोनों मिला जुला के कुल इतने से ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड के लिए देखते हैं, एसिड के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं ये बात का कैलकुलेशन हम लोग एसिड्स के लिए कैसे करते हैं यन फैक्टर। तो देखें आप यहाँ पर हम लोग एसिड्स के लिए निकालने चल रहे हैं, एसिड्स के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एसिड यन फैक्टर, जैसे हमारे लिए है HCl, ये आपका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड से एन फैक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात होगा क्या, H प्लस और Cl माइनस। तो इसमें देखते हैं कि एसिड्स की डिफिनेशन जो होती है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे, तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर HCl जो होगा वो कितना प्लस आयन देगा, हम लोगों को पता ही होना चाहिए HCl जो होगा कितना प्लस आयन देगा हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर HCl एक धन एक प्लस आयन देगा, एक प्लस चार्ज देगा, और इस प्लस चार्ज को हम लोग देखेंगे जानेंगे और इसके कैलकुलेशन को समझेंगे। जैसे जैसे ये देखते हैं आप यहाँ पर एक प्लस आयन यानी यन जो फैक्टर होगा वो आपका वन होगा। यच बी आर ले लेते हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के लिए क्या होगा आपका, हम लोग जानते हैं यच प्लस प्लस बी आर माइनस, तो यहाँ पर भी H प्लस एक ही आया, तो हम लोग यन फैक्टर जो होगा वह होगा आपका वन। अगर हम लोग H I ले लेते हैं और हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो H प्लस आएगा प्लस I पर माइनस आएगा, तो इसके लिए भी यन जो फैक्टर होगा वह एक होगा। यानी जो एसिड होंगे जितना प्लस चार्ज देंगे एसिड जितने प्लस चार्ज देंगे उतना आपका क्या होगा, एसिड जितने प्लस चार्ज देंगे उतना आपका वो यन फैक्टर होगा। तो देखते हैं अगली बात, एसिड हो गया, एसिड में और कुछ एसिड देख लेते हैं, जैसे आपका ये अभी आपके सामने रहा ये कुछ, जैसे CH3COOH, तो यहाँ पर क्या होगा CH3C double माइनस और H प्लस, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में है एसीटेट आयन है आपका, एसीटेट आयन और हाई H प्लस आयन आपका एक है, तो यहाँ पर भी यन फैक्टर जो होगा वह वन ही होगा। यानी H प्लस आयन पर हम लोगों का निर्भर करेगा कितना यन फैक्टर आएगा। अगली बात देख लेते हैं, अगली बात जैसे ये आप ले लेते हो, ये आपकी है फार्मिक एसिड, या इसका आईपैक जो नेम होगा वह होगा क्या, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक
एसिड, एक कार्बन के लिए मेथेन और सी डबल ओ एच के लिए ओइक एसिड। मेथेनोइक एसिड इसका होगा, तो मेथेनोइक एसिड जब टूटेगा यस सी डबल ओ पे माइनस प्लस एच पर प्लस, इसका यंग फैक्टर कितना होगा, एक, कितना होगा, एक होगा। और यस सी डबल ओ को एस डबल को माइनस को क्या बोलते हैं, फार्मेट आयन। आपका ये फार्मेट आयन होगा, तो इससे कुछ मतलब है नहीं हम लोग यन फैक्टर कैलकुलेट करना, ये तो फार्मेट आयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ही, कुछ टॉपिक पढ़े भी हैं। तो यन फैक्टर आपका यहाँ पर कितना आएगा, एक आएगा, वन आएगा। ऐसे बहुत सारे एसिड देखते हैं, देख लेते हैं, होते भी हैं। जैसे आपका ये आ गया, जैसे आपका ये आ गया ऑक्सैलिक एसिड, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सी डबल ओ एच का ट्वाइस। इसमें जो होगा वह देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो सकता है। जैसे एक्चुअली ये होता है इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और आपका सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो ऑक्सीजन ब्रेक नहीं, एक्चुअली ये होता है ऐसा कुछ है, ये ले लेता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ पर माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ ओ पर माइनस और टू एच प्लस। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन पर प्लस आया है, दो हाइड्रोजन, तो यानी यहाँ पर यन फैक्टर जो आएगा वो आएगा आपका टू। यन फैक्टर कितना आएगा, टू आएगा। समझ रहे होंगे आप लोग यन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका यौगिक दिया रहेगा उसका यन फैक्टर कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। और अगली बात हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके सामने दे दे अगर H2SO4, तो H2SO4 में एक्चुअली पहली बार जो होता है वो H प्लस प्लस H2SO4 माइनस। ऑलरेडी हम एसिड की पहचान दिए, सल्फ्यूरिक एसिड आपका है ये, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग जानते हैं एसिड की जो पहचान होती है वो H प्लस आयन देना होता है। अगर पहली चांस में एक H प्लस आयन दिया तो आपका जो यन फैक्टर आएगा वो आपका आएगा फन। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो भी, ऐसा भी होता है H2SO4 तो आपका आ जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस। अब ऑलरेडी 2H प्लस आया तो यन फैक्टर यहाँ पर होगा 2। अगर दो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो यन फैक्टर आपका आएगा 2, अगर एक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो यन फैक्टर आपका आएगा 1। तो एसिड वाली बातें क्लियर हुई होंगी सबको, हाँ। तो आगे की बात देखते हैं, थोड़ा हमें लगा कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो ये बातें क्लियर हो गई आपको, यन फैक्टर है यहाँ पे होगा 2। अगली बात को देखते हैं, कुछ एसिड्स और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर से ही हम लोग क्लियर होगा कि कैसे उसमें हम लोग यन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। जैसे आपके लिए रहा H3PO4, इसका यन फैक्टर आपका होगा क्या, देखते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना होगा, तो पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ओ, तो और तीन हाइड्रोजन आपका, तो एक दो और तीन हाइड्रोजन आपका लग गया, ये इसका होगा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए हम। तो इसके लिए हम लोग अगर यन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो देखेंगे कि जितने हाइड्रोजन पी से ना अटैच हो, जितने हाइड्रोजन पी से ना अटैच होकर के ऑक्सीजन से अटैच हैं, वो ऑलरेडी नॉर्मली बहुत तेज गति से आप यहाँ पर बाहर निकलते हैं अपना हाइड्रोजन दे करके, यानी ये हाइड्रोजन अपना देख, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का होता है। तो हम लोगों को ये बातें क्लियर होना चाहिए, जानना चाहिए कि जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे करके, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वह H प्लस आयन बनाता है, यानी वह ज़्यादा अम्लता प्रदर्शित करता है, जल्दी डोनेट करके, जल्दी दे करके अपना H प्लस आयन बनाने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी देगा और यह भी ऑक्सीजन से जुड़ा, यहाँ पर भी देगा और यहाँ पर भी देगा, यानी एक दो तीन, आपके पास ऑप्शन कितने हैं, तीन ऑप्शन हैं देने के, कितने ऑप्शन हैं, तीन। तो तीनों से अगर यहाँ पर रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा आपका पी डबल बॉन्ड ओ
ऊपर माइनस और ऊपर माइनस और 3H प्लस, ऑलरेडी 3H प्लस आया, यान फैक्टर जो होगा वो 3H। अगले एग्जांपल को देखते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए H3PO3 आ जाए, इसका भी स्ट्रक्चर ही ड्रा करेंगे, विदाउट स्ट्रक्चर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। स्ट्रक्चर जब ड्रा कर लेंगे तो आपको बातें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और समझ में बातें ज़्यादा आएंगी। जैसे आप इसको अगर ऐसे देखना चाहें, जैसे यहाँ पर हम अगर कुछ ऐसा कर दें कि हमारे लिए बातें और ज़्यादा ईजी हो जाएँ, फास्फोरस डबल बॉन्ड को ओ और एच, ओ और एच, हाँ ये रहा आपका, तो दो हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन को हम लोगों को फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच करना पड़ा, एक हाइड्रोजन को फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच करना पड़ा, इसलिए जो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच होगा वो आपका जो हाइड्रोजन होगा वह उतना इजी वे नहीं निकलेगा जितना इजी वे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, लेकिन इसका निकलना उतना इजी नहीं होगा। यानी आपका ये जो अगली पॉइंट होगी वो ये होगी, ये है आपका, और ओ पर ऑलरेडी माइनस, ओ पर ऑलरेडी माइनस और यस तो रह गया, और निकला क्या आपका 2H प्लस, यानी यहाँ पर हम लोग जान गए होंगे कि जो यन फैक्टर होने वाला है वो तो होने वाला है 2 ही। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अभी बात पढ़े कि जितना एसिड मतलब जितना H प्लस आयन डोनेट किया, जितना H प्लस आयन दिया उतना आपका यन फैक्टर आने वाला है, तो यहाँ पर यन फैक्टर कितना आया 2 है। अगली बात को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अगली बात ये रही आपकी, अगर आपका ये वाला आ जाए H3PO2, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यन फैक्टर कैलकुलेशन में देखते हैं। हम इसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, O और H, और ऑलरेडी दो हाइड्रोजन को हम लोग फास्फोरस से जोड़ेंगे ही, कहें कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है यही होगा, तो तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो और फास्फोरस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो केवल एक ही है, तो यहाँ पर केवल ये बाहर निकलने वाला है, ये आपका जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो बने क्या फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ओ पर माइनस आने वाला है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका आ जाएगा एच प्लस, यानी यहाँ पर अगर यन फैक्टर देखा जाए तो आएगा एक। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, यानी कौन ज़्यादा एच प्लस आयन देगा, तो एच प्लस आयन ज़्यादा ये दे रहा है आपका, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी इसका यन फैक्टर जो आया 3 आया, इसका 2, सॉरी इसका यन फैक्टर 3 आया, इसका 2 आया आपका और इसका 1 आया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी, इजीली क्लियर हो रही होंगी, बहुत ईजी बात है, केवल आपको थोड़ा दिमाग लगाकर समझना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एसिड मतलब एच प्लस आयन दिया, अगर एच प्लस आयन दिया तो कितने दिए, एक दिए तो एन फैक्टर 1, 2 दिए तो 2, 3 दिए तो 3, 4 दिए तो 4, मतलब जितने एच प्लस आयन दे रहे हैं उतना उसका एन फैक्टर होना चाहिए। तो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, अगर आपको ये नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। अगली बात देखते हैं, इसमें जैसे आपकी अगली बात रही ये, हम लोग जैसे ये वाली बात देख लेते हैं, अगर हम लोगों के सामने आ जाए H3BO3 बोरिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग बोरिक
एसिड, आपकी बोरिक एसिड आ जाए, इसके लिए हम लोग यन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यह भी एक प्रकार का एसिड है। तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बी ओ एच का थ्राइस, और एच और ओ एच से रिएक्शन करा देंगे आप। अगर एच और ओ एच से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो यन फैक्टर होगा वो क्या होगा, इस बात पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ओ एच है वो आ जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एच प्लस बाहर निकलेगा, यानी बी ओ एच का टेट्रा और आपका एच प्लस बाहर। तो एक एच प्लस यानी यन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, एक। ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। बाकी अगर हम लोगों को देखना है SO2 या SO3 का यन फैक्टर, तो देखते हैं जो SO3 होते हैं या एसिडिक होते हैं, एसिडिक का हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं, जैसे NaOH अगर रिएक्शन करा दें तो कितने जल रिलीज होते हैं, कितने जल रिलीज करने के लिए कितने आप सोडियम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर दो ले लेंगे, दो NaOH लें, जैसे ये NaOH, आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसा कर सकते हैं Na2 और SO4, Na2 SO4, जैसे ये आपको, और आपका H2O बाहर निकला, तो Na2 SO4 प्लस H2O रिलीज हुआ। हम यहाँ पर देखें कि आपको Na2 SO4 H2O, एक H2O रिलीज करने के लिए NaOH कितनी बार लेना पड़ा, सोडियम क्या बार लेना पड़ा, दो बार लेना पड़ा, यानी दो बार जब सोडियम लेना पड़ा तो यन फैक्टर जो होगा वह दो होगा। अगली बात को ऐसे देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं उसमें क्या होता है। जैसे आपको अगर यन फैक्टर अगली बात का देखना हो तो हम लोग इधर देखते हैं, अगर हम लोगों को CO2 का या CO3 का यन फैक्टर देखना है, मान लो CO2 को देखना हो, CO2 में आप NaOH और NaOH से रिएक्ट अगर कराते हैं तो हम लोग क्या बनेगा, Na2CO3 और एक H2O बाहर होगा, तो Na2CO3 आपका क्या बाहर हुआ, एक H2O रिलीज हुआ, आपका एक H2O बाहर हुआ, तो Na कितनी बार लिए एक H2O बाहर करने के लिए, आप Na दो बार लिए, तो यन फैक्टर जो होगा, Na आप दो बार लिए तो यन फैक्टर जो होगा वह दो होगा। इजी बात है, समझ में आ रही होगी सबको बात। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाए CO3 प्लस Na, CO3 तो हो गया है, तो ऐसे हम लोग बात को क्लियर कर लेंगे समझ लेंगे, SO3 भी हो गया है तो हम लोग इस तरह से बात को समझ गए होंगे और क्लियर कर लेंगे कैसे हम लोग यहाँ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका कोई भी रहेगा, ये आपका रहा, अगर जैसे ऐसा रहा C6H5COOH प्लस, नहीं इसका एन फैक्टर देखना हो तो यहां से क्या हो जाएगा, C6H5C2- और एच प्लस, यानी एच प्लस एक आया तो यन फैक्टर आने वाला आपका है वन, यन फैक्टर कितना आने वाला है, वन आने वाला है। तो जितने एच प्लस आयन रिलीज होंगे उतना ही एसिड का यन फैक्टर होने वाला है। यहाँ पर एक एच प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं तो यन फैक्टर एक होगा, दो एच प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, दो तीन एच प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं तो तीन। तो आप लोगों को ये अगर स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो अगली बात देखते हैं, हम लोग एसिड का क्लियर हो गया होगा, इसके बाद हम लोग बेस का देख लेते हैं कि यन फैक्टर बेस का कैसे कैलकुलेट करेंगे। यन फैक्टर कैलकुलेशन बेस में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी के एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। बेस का यन फैक्टर, बेस यन फैक्टर ये देखते हैं। जैसे आपके सामने बेस क्या होगा, जो OH- आयन दे। ब्रैचर लोरी और आरहेनियस का इक्वेशन सभी लोग सिद्धांत पढ़े ही हैं, उनकी थ्योरी थी ठीक, तो उसमें था कि आपका OH- आयन रिलीज करने वाले को, आरहेनियस का इक्वेशन थ्योरी थी, OH- आयन रिलीज करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बेस जो हम लोगों को मिलेगा वो OH- आयन से मिलेगा, तो हम लोग बेस का सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट इसका है
उसी तरह सेम उसका भी होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये आपका NaCl, सॉरी, जैसे आपका है KOH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के प्लस प्लस ओ एच माइनस, ऑलरेडी ओ एच माइनस एक, तो यन फैक्टर कितना होगा, यन फैक्टर आपका आएगा एक, NaOH ऑलरेडी Na प्लस प्लस ओ एच पर माइनस, तो यन फैक्टर कितना आएगा आपका आएगा वन, CaOH का ट्वाइस आपके सामने, तो क्या होगा Ca पर टू प्लस प्लस OH पर 2OH पर माइनस वन, यानी 2OH है तो यन फैक्टर जो आएगा वो आना चाहिए 2। अगली बात देखते हैं, अगर हमारे सामने MgOH का ट्वाइस रहा तो क्या हो जाएगा Mg पर 2 प्लस प्लस OH माइनस का 2 बार, यानी यन फैक्टर जो आने वाला है वो आएगा 2। अगली बात ले लेते हैं, अगर हमारे सामने AlOH का थ्राइस है तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम पे 3 प्लस प्लस OH पर माइनस, लेकिन 3 टाइम्स, तो यन फैक्टर जो आएगा आपका 3 आएगा। यानी यहां पर अभी हम लोग एसिड में पढ़े कि जितने आपके H प्लस आयन आते हैं वो आपके होंगे यन फैक्टर एसिड वाले, बेस वाले क्या होंगे, जितने ओ एच माइनस आयन आते हैं वो आपके बेस वाले यन फैक्टर होंगे। और हम लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी, तो अगली बात हम लोग देख लेते हैं साल्ट में, साल्ट में क्या होता है, साल्ट में देख लेते हैं, बेस वाली बात बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, केवल ओ एच आयन छाटना है। इससे एक एग्जाम्पल और देख लेते, ये आपका हुआ आपका NH4OH, तो यहाँ पर NH4 पर एक प्लस प्लस OH पर एक माइनस, तो यन फैक्टर क्या आपका होने वाला है एक होने वाला, ये आपका होगा। और जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मतलब जहाँ पर आपको OH माइनस आयन मिलेगा, जितने OH माइनस आयन मिलेंगे वो आपके उतने ही यन फैक्टर दिखाएंगे, जो कुछ भी हो वो आपके उतने ही यन फैक्टर दिखाने वाले हैं जितने की OH माइनस आयन मिल रहे हैं। तो मिटा दें इसको, बहुत बात ईजी है, कुछ नहीं करना है, केवल समझना है शांति से। ये हो गया आपका, एक्चुअली ऑलरेडी ज़्यादा एसिड से ही क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग बेस का देख लेते हैं, अगली बात जो है बेस का है, बेस तो हो गया, साल्ट का देख लेते हैं, साल्ट का यन फैक्टर, साल्ट का एन फैक्टर, जैसे आप लोग ये आपका NaCl साल्ट है तो क्या हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो हम कहेंगे कि मतलब दोनों में से किसी एक का चार्ज जो होगा वही इसका बेस साल्ट में एन फैक्टर आएगा। अब दोनों में से किसी एक का मतलब यहाँ पर Na पर एक प्लस है, Cl पर एक माइनस है, तो हम दोनों में से किसी एक का या तो प्लस वाले या तो माइनस वाले लें, कोई एक चार्ज हम लोग दिखा देंगे तो वही आपका इसका एन फैक्टर आएगा। जैसे इसका यन फैक्टर कितना होगा, यन फैक्टर आपका हो जाएगा एक। उसी प्रकार अगर हमारे सामने के सी एल हो तो के प्लस प्लस सी एल माइनस, अब ऑलरेडी क्या हो जाएगा यन फैक्टर अगर देखना हो तो एक हो जाएगा, कहे इसका या इसका आप ले लेंगे, चार्ज कितना है एक है, तो प्लस माइनस लगाते नहीं, केवल हम लोग दिखा यन फैक्टर में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, तो इसे हम प्लस एक या प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच जो भी लिखना हो हम लिखते चले जाते हैं। तो ये आपको बातें क्लियर होंगी, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, इजी बातें हैं, कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग ले लें NH4Cl, तो हम आशा कर रहे होंगे ये बात सभी लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा NH4 पर प्लस प्लस Cl पर माइनस, तो ऑलरेडी इस पर एक प्लस इस पर एक माइनस, यानी यन फैक्टर क्या होने वाला है एक होने वाला है। मतलब आपका एसिड रहेगा तो एच प्लस देखेंगे, आपका बेस रहेगा तो ओ एच माइनस देखेंगे, आपका साल्ट रहेगा तो दोनों मतलब एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा, तो कोई एक आपका चार्ज ले लेंगे, कोई एक चार्ज ले लेंगे, और हमेशा चार्ज पॉजिटिव और यन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो इसे पॉजिटिव में लिख देंगे। ये बातें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, हम आशा करते हैं सबको बातें क्लियर हो गई होंगी।
अगली बात देखते हैं, जैसे अगर हम लोगों को सिंपल से एटम्स का निकालना हो, इसे मेरे साथ हो गया। अब हम लोग एटम्स का देख लेते हैं, एटम क्या होते हैं, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे आप लोग जानते रहिएगा कि फर्स्ट ए सेकंड ए आपका हाई है, उधर आप ले लेते हैं सेवंथ ए, सेवंथ ए आपका है, और उसके पहले यहाँ पर है आप ले लें फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, यही सब देख लेते हैं यन फैक्टर कैलकुलेशन का सिंपल सा तरीका। जैसे अगर फर्स्ट पैरेलल टेबल आप देखते हैं, पैरेलल टेबल में आपका क्या होता है, सोडियम सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम आपके होते हैं। सेकंड वाले बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम होते हैं। आपका फोर्थ होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होगा। ये आपका होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होगा आपका। फिर इसके बाद सिक्स होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम होगा। आपका सेवंथ ए वाला होगा जो, वो आपका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक हम लोग देखते हैं इसमें है, हाइलोजन, और इसके बाद जलकोजन, लकोजन, ये आगे वाले सब हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड आप बोल देते हैं इसको, इसको आप बोलते हैं 17, 16 और 15 और 14, तो ये आपका होता है, और 30 वाले भी होते हैं, तो इतने देख लेते हैं हम लोग। तो अगर फर्स्ट ए वाले होंगे तो इनका जो यन फैक्टर आपका आएगा, यन फैक्टर जो आएगा वो एक, मतलब जितने चार्ज उस पर होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव रूप में ले लेंगे, यन फैक्टर एक आएगा। सेकेंड ए वाले जितने होंगे यन फैक्टर दो आएगा, जितने ये फोर्थ वाले होंगे मतलब 14 ग्रुप वाले होंगे जितने, उसमें जो यन फैक्टर आएंगे वो चार आएंगे, यन फैक्टर फोर होगा। जितने आपके फाइव ए वाले होंगे जो यन फैक्टर आएगा वो तीन आएगा, जितने आपके सिक्स ए वाले होंगे वो यन फैक्टर जो आएगा वो दो आएगा, जितने आपके सेवंथ ए वाले होंगे वो आपका यन फैक्टर जो आएगा वो एक आएगा। ये आपका यन फैक्टर कैलकुलेशन है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हाइलोजन्स पे जो चार्ज होते हैं वो आपके प्लस एक वाले होते हैं, माइनस एक वाले होते हैं, इस पर जो होगा यन फैक्टर हम लोग लाएंगे एक, आपका ये इस पर माइनस दो होते हैं तो दो लिख देंगे, हम जानते हैं कि माइनस प्लस में चार्ज नहीं लिखते हैं, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर दो होगा और इसमें तीन होगा, आपका इसमें चार होगा और सेकेंड ए वाले में भी दो होगा और फर्स्ट ए वाले में आपका एक होने वाला है। तो ये आपका हुआ सिंपल सी मतलब मेटल्स का, जो मेटल नॉन मेटल्स का हुआ जो पायरेट टेबल में है, ये बातें सबको क्लियर हुई होंगी। अगली बात जो यन फैक्टर का कैलकुलेशन है वो ये है कि जैसे अगर हम लोग इसका देखें, जैसे ऑक्सीजन का यन फैक्टर, हाँ ऑक्सीजन का यन फैक्टर हम लोग देख लेते हैं तो होता है दो, अभी अभी हम निकाले सिक्स वाले का दो होता यन फैक्टर आपका आएगा टू। अगर हम ओ टू का निकालें तो सिंपल सी बात है, ओ टू का निकालें हम लोग कितना आएगा यन फैक्टर, एक ऑक्सीजन का दो तो ओ टू का आएगा चार। आपका क्लोरीन का यन फैक्टर होता है, क्लोरीन का यन फैक्टर आपका होता है एक, और अगर सी एल टू का निकालें तो यन फैक्टर जो आएगा वह आएगा दो, एक क्लोरीन का एक तो दो क्लोरीन का दो। उसी प्रकार अगर ब्रोमीन का निकालें तो अभी यन फैक्टर हम लोगों को क्लियर हुआ था कि एक, और अगर बी आर टू का निकालें तो यन फैक्टर जो आया था आपका वो दो आएगा, एक दूनी दो। तो हम आशा करते होंगे सबको बात समझ में आई होगी। जैसे अभी आपको यन टू का निकालना, यन का निकालना तो यन फैक्टर तीन, यन फैक्टर तीन होगा, और यन टू का अगर निकालना हो तो यन फैक्टर। तो हम आशा कर रहा हूँ सबको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आई होंगी कि हम लोग कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन
करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो नोट कर सकते हैं। कुछ बातें और हैं जो हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर यंग फैक्टर इसका कैलकुलेट करना हो, जैसे आपका आ जाए एफ ई टू प्लस, तो यंग फैक्टर जो होगा वह दो होगा, और आपका आ जाए सी ओ टू प्लस तो आपका यंग फैक्टर जो होगा दो होगा, एफ ई थ्री प्लस तो यन फैक्टर जो होगा आपका तीन होगा, ऐसे आपका यन एच फोर पर एक प्लस आ जाए तो यन फैक्टर जो होगा एक हो जाए, और सी ओ थ्री पर आपका आ जाए दो माइनस तो यन फैक्टर जो होगा आपका दो, और आपका जैसे एल पर थ्री प्लस तो यन फैक्टर जो होगा वो थ्री होगा। ये आपका यन फैक्टर कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है, यन फैक्टर कैलकुलेशन आपका ये रहा। तो हम लोग कैसे देखे, कैसे किए आपका इसमें यन फैक्टर कैलकुलेशन, सबको बात समझ में आई होंगी। हम लोग इसमें क्या क्या क्लियर करना चाह रहे थे सब क्लियर हुआ, और हम लोग कुछ बातों का यन फैक्टर और देखना है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे आपका यन फैक्टर कैलकुलेशन तो आप लोगों को आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगली बात हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का देख लेते हैं। जैसे अब अगर हम लोगों के सामने KMnO4 रहा, तो अगर एच प्लस या एसिडिक माइडियम में रिएक्शन होता है तो MnO2+ बनता है। अभी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर माइनस दो होता है, तो चार ऑक्सीजन है तो माइनस आठ होगा, और जबकि पूरे पर चार्ज जो होता है वह शून्य होता है। तो पूरे पर चार्ज शून्य, और जबकि फिर से देख लेते हैं, पोटेशियम पर एक चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस दो चार्ज, तो माइनस दो और फोर टाइम्स ऑक्सीजन है तो चार दूनी आठ हो जाएगा। तो बताइए अभी यहाँ पर माइनस आठ में से गया सात, यानी बीच वाले पे जो चार्ज होगा वो प्लस सात होना चाहिए। अब आप देखते हैं किस पर प्लस सात है। यमयन जो होता है वह एसिडिक मीडियम में प्लस सात से प्लस दो की तरफ बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जितने कैटायन आर एन आयन, कैटायन और एन आयन में जितने रिएक्शन होने के बाद जितने की चेंजिंग आती है कैटायन और एनायन में, वही आपका होता है यन फैक्टर। जैसे आपका प्लस सात से इधर हो गया प्लस दो, प्लस सात से प्लस दो, अब अगर प्लस सात से प्लस दो हुए तो आपका यन फैक्टर कितने आने वाला है, सात से दो, यानी आपके इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तब प्लस दो हो जाएगा, यानी आपके पास प्लस सात है, पांच इलेक्ट्रॉन और आ गया था प्लस दो बचा, तो आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन आए, यानी यन फैक्टर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, दो आने वाला। ये किस मीडियम में, आपका एसिडिक मीडियम में एच प्लस। और अगली बात देख लेते हैं, अगर आपका KMnO4 रहा और OH माइनस रहा, मीडियम आपका बेसिक हो गया तो हो जाएगा K2MnO4, ये आपका बनने वाला है। यहाँ पर देखते हैं यन फैक्टर कितना आएगा कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं प्लस एक होगा और माइनस दो होगा तो प्लस माइनस आठ हो जाएगा, चार दो क्योंकि चार बार है तो माइनस आठ हो जाएगा, इस पे आने वाला प्लस सात। जबकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक पोटेशियम एक प्लस दो पोटेशियम प्लस दो, और आपका ये है आपका, इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस आठ, तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर आएगा प्लस छः।
हाँ ये आने वाला आपका, यहां पर +7 था, यहां पर आया +6। तो देखते हैं यानी यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस हुआ आपका, यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिफरेंस आपका आएगा, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्लस सात से प्लस छः यानी एक इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हुए, यानी यन फैक्टर जो आने वाला है वो आने वाला है 1। यन फैक्टर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, देख लें, समझ लें। अगली बार देख लेते हैं, ये आपका हुआ। अगली बात तो देखते हैं हम लोग, ये आपका हुआ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, ये आपका हुआ बेसिक मीडियम, और आपका न्यूट्रल मीडियम में देख लेते हैं इसका यन फैक्टर कितना आने वाला है। न्यूट्रल मीडियम में यन फैक्टर तो देखते हैं आपका है कि एम एन ओ फोर, और आपका बन जाएगा एम एन ओ टू, ये बनने वाला है। देखते हैं पोटेशियम पे आपका कितना आएगा, +1 होता ही है, -2 होता है, लेकिन हो जाएगा 4 × 8, -8 हो जाएगा आपका, और इस पर तो +7 आएगा, काहे कि टोटल पे 0 होता है, तो एम एन का +7 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, चलो वही लिखेंगे। इसमें देखते हैं एक अक्षर माइनस और दो अक्षर -4, जब इस पर -4 तो इस पर +4 ऑलरेडी, तो +7 से +4 हो रहा है, +7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह जुड़ रहे हैं। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो यन फैक्टर जो होने वाला है वह कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। फिर से एक बार पूरी तरह से इस बात को फिर से समझ लें, हम क्या बता रहे हैं समझ लें, एक तरह से जान जाएं, हम इस बात को रिवाइज कर देते हैं एक बार फिर से पुनः। हम आपको बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो यन फैक्टर होता है, जो यन फैक्टर होता है वह विशेष तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कैसे, हम कहेंगे कि आपको कि जैसे अगर आपके सामने के एम एन ओ फोर है और यह एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो क्या होने वाला है, हम लोग पहले देखते हैं कितना इस पर एम एन पर प्लस, और बन क्या रहा है इधर केवल एम एन आपका बन रहा है, इस पर +2 चार्ज होता है, आपका एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पर -8, इस पर के प्लस के है पोटेशियम है, तो पोटेशियम हम लोग क्या लिख सकते हैं +1, तो 8 में से 1 गया 7, यानी इस पर +7 चार्ज होगा, 7 से आपका हुआ 2, 7 से आपका हुआ 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखे, कितने का चेंज आया, प्लस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ऐड 5 इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए हम लोग यन फैक्टर जो होगा इसका 5 है। एच प्लस है एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम देख लेते हैं, के एम एन ओ फोर ओ एच -8 +7, तो इस पर भी +7 होगा, ऊपर अभी कैलकुलेट किए तो ये हो जाएगा आपका K2 एम एन ओ फोर। बेसिक मीडियम में आपका ये बनता, तो देखते हैं यहाँ पर K2 यानी 2 प्लस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक पोटेशियम पे 1 प्लस, 2 पोटेशियम +2, और यहाँ पर 2 माइनस इस पर -8, तो -2 इसका +6 होगा, तभी आपका 0 आएगा। तो +7 से +6 यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुई, यानी यन फैक्टर जो आया आपका 1 आया, 5 आया यहाँ पर 1। अगली बात हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल में तो के एम एन ओ फोर यहाँ पर आपका -2 तो -8 +1 तो इसका +7 एम एन ओ टू बनेगा, 1 पे -2 2 पे -4 तो +4 आपका +7 से +4 हो रहा है, यानी +3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या निकला,
निकला मतलब ये थीटा ऐड ने कहा कि यन फैक्टर जो होगा वह 3 होगा, यन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो आपका ये रहा सिचुएशन, सब कैसे कैसे इसमें होता है ये बातें आप लोगों के सामने क्लियर की गई, कैसे हम लोग यन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, आप लोग जाने होंगे कैसे हम लोग यन फैक्टर निकालते हैं। और अब हम लोगों को नॉर्मेलिटी निकालना होगा, तो हम लोग वेट इंटू यन फैक्टर इंटू मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा, वेट इंटू यन फैक्टर अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा। आप यहाँ से यन फैक्टर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जान जाएंगे। तो हम आशा करते होंगे कि आप आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को सब बातें जितनी बताई गई सब समझ में आई होंगी सबको अच्छे से। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम जितने यन फैक्टर बताए, नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताया और सब चेंजिंग उन्जिंग बताए, तो आपको सब बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।